नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई अपनी जांच कर रही है और सीबीआई की जांच के दौरान नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब एक खुलासा उनके पारिवारिक मित्र नीलोत्पल मृणाल ने किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जानबूझकर कूपर अस्पताल आने नहीं दिया गया और संदीप सिंह ने उन्हें गुमराह करा कहीं ना कहीं, बल्द लफ्जों में इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम सबको पता है जिस वक्त ये पूरा का पूरा हादसा हुआ, संदीप सिंह एक वाइस शख्स थे जो सबसे आगे फ्रंट पे थे और हर जगह, चाहे वो कूपर अस्पताल की बात हो, चाहे उनके घर की बात हो, या मीतू के साथ उनका सुशांत सिंह राजपूत के घर पे जाना हो, वो शुरू से ही इस पूरे मुद्दे में फ्रंट पे थे। और उन्होंने कई निजी चैनलों से बातचीत करते हुए भी कहा कि मैंने अपना आधार कार्ड वगैरह जो फॉर्मेलिटीज करी जाती है मॉर्चरी में, उसके लिए भी वो उन्होंने अपना पेपर वर्क वगैरह किया था। लेकिन अगर परिवार की माने, जिस तरह से उनके पारिवारिक मित्र बता रहे हैं कि जब उनका परिवार यहाँ आ चुका था, 2 घंटे लेट करा गया उन्हें, 2 घंटे उन्हें रुका के रखा गया और उसी दौरान रिया चक्रवर्ती को बुला के मॉर्चरी में सुशांत सिंह राजपूत को दिखाया गया। तो ये 2 घंटे जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के नीलोत्पल मृणाल बताते हैं, जब संदीप सिंह को उन्होंने फोन किया कि हम बॉम्बे आ चुके हैं, क्या हम सीधे अस्पताल आए, तो उन्हें मना करा गया और उन्हें बांद्रा के जो उनका घर है जहां सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे वहां ठहराया गया और उसी दौरान रिया चक्रवर्ती को यहां बुलाया गया और रिया चक्रवर्ती ने आके वहां सुशांत सिंह राजपूत को देखा वगैरह। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों करा गया, उन्हें वो 2 घंटे का गैप क्यों दिया गया। और बल्कि आलम यह रहा कि जब सुशांत सिंह राजपूत का जो पार्थिव शरीर था उसको पवन हंस जो शमशान भूमि वहां लाया गया, उस दौरान मतलब उस वक्त उनके सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इजाजत दी गई कि आप यहां आ जाइए। सोचिए उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, जहां उन्होंने अपने 34 साल के बच्चे को, खास करके मैं के सिंह की तरफ मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत हमदर्दी उनके लिए होती है कि सीधा उनके बच्चे से उनकी मुलाकात पवन हंस शमशान भूमि पे हुई होगी, जहां पे वो एक आई फील सॉरी फॉर के सिंह साहब, और वहां उनकी मुलाकात हुई। और ये देखिए ये कितनी विडंबना है कि परिवार के लोगों को अपने ही बच्चे को देखने का मौका उसकी अर्थी पे मिला और एक परिवार से बाहर शख्स रिया चक्रवर्ती वो अस्पताल में जाके देखाई संदीप सिंह की मेहरबानी। तो ऐसा क्यों करा गया, उस पे भी कई सवाल उठते हैं। हालांकि जब संदीप सिंह की अगर बात की हम माने, संदीप सिंह ने कई इंटरव्यूज दिए हैं चैनलों में, वहां संदीप सिंह से ये सवाल करा गया कि ऐसा क्यों हुआ, कि उन्हें कूपर क्यों लेके गए, जबकि उनका ये पूरा हादसा बांद्रा का था, बाबा हॉस्पिटल नजदीक था जो काफी बड़ा अस्पताल है और भी बहुत से अस्पताल है सरकारी जहां पोस्टमार्टम भी हो सकता है। ये सवाल पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उठता है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए वहां बॉडी क्यों भेजी। तो संदीप सिंह का कहना यह है कि क्योंकि एयरपोर्ट नजदीक था तो एयरपोर्ट से वो अस्पताल आ सकते थे उनका परिवार, इसलिए वहां पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। अगर ऐसा ही था तो परिवार पोस्टमार्टम के लिए जब लेके गए तो परिवार अस्पताल में क्यों नहीं आया, और ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। और रिया चक्रवर्ती को कैसे उन्होंने बुलाया और कैसे उन्हें इजाजत मिल गई और कैसे वो मॉर्चरी में चली गई, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। और सीबीआई जिस तरह से काम कर रही है इस पूरे मुद्दे पे, यकीनन इन सवालों के भी जवाब जरूर मिलेंगे। एक पिता, एक उनकी बहनें, उनका परिवार जिस तरह से इस पूरे दुख की घड़ी में अपने आप को संभाले घुमाए, जैसे उन्होंने अपने आप को संभाला है, वो हम सबके लिए दुख की बात है, हम सबके लिए पीड़ा की बात है। आप तस्वुर करिए कि एक पिता जिसको अपने बच्चे की शक्ल उसकी अर्थी पे देखने को मिली, अगर संदीप सिंह चाहते तो मॉर्चरी में भी अपने उनके बच्चे को उन्हें दिखा सकते थे, उनके परिवार को दिखा सकते थे। लेकिन ऐसा क्या था कि उन्होंने उनके परिवार को 2 घंटे उनके बांद्रा के घर में रुकाए रखा, ऐसा क्या था कि उन्हें सीधा शमशान घाट बुलाया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे राज हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा सुशांत सिंह राजपूत केस में लेटेस्ट अपडेट क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।